YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। कला और साहित्य के प्रति समर्पित संस्था राष्ट्रीय साहित्य युवा मंच आगामी 23 जून को काव्यांजलि 2019 कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम शहर मेदिनीनगर में ही दो सत्रों में संपन्न होगा। प्रथम सत्र में नवोदित कवि प्रतिभागी शिरकत करेंगे, जबकि द्वितीय सत्र में शाम के 6 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन होना तय किया गया है। आज प्रेस वार्ता कर मंच के अध्यक्ष अभिनव सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नवीन प्रतिभा खोज भी है, जिसके तहत देश के विभिन्न प्रदेशों से पहुंचे नवांकुर कवि भाग लेंगे, जिसमें प्रथम 3 विजेताओं को उसी दिन संध्या काल में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के लोकप्रिय ख्याति प्राप्त कवियों के साथ मंच साझा करने का सुअवसर प्रदान किया जाएगा। कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि प्रियांशु, डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा, सायरा मुमताज नसीम, डॉक्टर भुवन मोहनी, हास्य कवि चेतन चर्चित, अभिनव मिश्र, बजरंग नाथ तिवारी और गोपाल पाठक सहित कई ख्याति प्राप्त साहित्यकारों के पहुँचने की पूरी संभावना है। लोगों में नई चेतना जगाने के कार्यक्रम में राष्ट्रीय साहित्य युवा मंच कर रही है, जो नए तरह से पूरे हिंदुस्तान से नए नए प्रतिभाओं को बुलाया जा रहा है यहाँ पे, और उनकी कविता उनकी रचना सुनकर उसके बाद उनको तय किया जाएगा उसी दिन, और उनको राष्ट्रीय मंच दिया जाएगा। जो हमारे प्रथम, सेकेंड और थर्ड होंगे उनको उसी मंच पर स्थान दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन इसका डाला हुआ है, यूट्यूब पे है, ट्विटर पे है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक है, और वेबसाइट भी इसका है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। पिछली बार कितने लोग शामिल हुए थे? पिछली बार हमारे यहाँ 26 प्रतिभागी आए हुए थे पूरे भारतवर्ष से, और कुछ हमारे निजी स्कूल से, कॉलेज से जो प्रतिभागी थे, स्कूल के भी बच्चे थे और कॉलेज के भी बच्चे थे।